कि मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षेव, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है, जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जनार्दन, असंभव है? नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास और वैराग्य? हां, अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वह दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को संन्यासी बना देती है। प्रभु, विषयों का आभास तो मनुष्य को इंद्रियों के माध्यम से होता है, और भगवान श्री कृष्ण विषयों के मोह को त्यागने को कह रहे हैं, तो क्या मनुष्य
इंद्रियों का प्रयोग करना ही छोड़ दे? तो भोग विलास में आसक्ति के त्याग की बात कर रहे हैं।